42 नंबर कह रहा है कि दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है और प्रत्येक 106 मीटर लंबी है। यदि ट्रैक 10 मीटर चौड़े हो तो ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समझना होगा थोड़ा सा। पहले मैं इसका चित्र आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, चित्र को थोड़ा सा आपको समझना होगा। मैं यहाँ पे चित्र को पहले बना लेता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को समझाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना यह चित्र। चलिए मैं पहले बना लेता हूँ, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। चलिए मैंने चित्र बना लिया यहाँ पे, अब थोड़ा समझ लो। देख रहे हैं, क्वेश्चन को समझ लें। दौड़ के एक ट्रैक का बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, बायां और दायां सिरा अर्धवृत्ताकार है, देख रहे हैं दोनों तरफ से। भीतरी समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 मीटर है, यानी कि यहां से देख लो, यहां से यहां तक की दूरी, ये वाली दूरी कितनी दी हुई है, 60 मीटर दी हुई है। 60 मीटर है टोटल, 60 मीटर। अच्छा, तो यह जो है अर्धवृत्त दिख रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे लिखेंगे इसको। ठीक है, ट्रैक की जो ये चौड़ाई है, या ट्रैक की चौड़ाई कितनी दी हुई है, 10 मीटर चौड़ा ट्रैक दिया हुआ है, यानी कि यहां से यहां तक यह 10 मीटर है। हर एक जगह पे, यहाँ पे भी 10 मीटर ही होगा, इधर भी आपका 10 मीटर ही होगा। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, प्रत्येक की लंबाई 106 मीटर लंबी है, किसकी, समांतर रेखाओं की, यहाँ से ये और ये कितना है, 106 मीटर है, यानी कि यह 106 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 106 मीटर है। चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ, ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपका एक आयत बन जा रहा है, यहाँ पे मैं नाम ले देता हूँ, यहाँ पे एक बना देता हूँ, ये भी आयत, पी क्यू आर एस। ठीक है, और दोनों तरफ ये अर्धवलय है, दोनों तरफ अर्धवलय है, समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ अर्धवलय है। तो हमें क्या करना है, इस ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है, इस ट्रैक का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे जो अर्धवलय बन रहा है, उसकी आंतरिक त्रिज्या जो अर्धवृत्त है, उनकी आंतरिक त्रिज्या जो होगी, अंदर वाली त्रिज्या, ये अर्धवलय लिख सकते हैं, अर्धवलय की आंतरिक त्रिज्या, ऐसे लिख देता हूं, अर्धवलय की आंतरिक त्रिज्या, अर्धवलय की आंतरिक त्रिज्या, स्मॉल आर से स्वीप करते हैं, वह 30 मीटर हो जाएगा, क्योंकि टोटल यह 60 है। अच्छा, अर्धवलय की बाहरी त्रिज्या यानी कैपिटल आर, वह कितना हो जाएगा, तो यह 30 मीटर यह था और यह 10 जुड़ जाएगा, यानी कि 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, तो इस ट्रैक की लंबाई, क्षेत्रफल निकालना है, ट्रैक का क्षेत्रफल, जिस पे हम लोग दौड़ रहे हैं ना, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल प्लस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल, समझो यहाँ पे, इस आयत का दोनों का क्षेत्रफल, और ये दोनों अर्धवलयों के क्षेत्रफल का योग कर देंगे तो हो जाएगा ना, आयत का क्षेत्रफल और इन दोनों अर्धवलय का क्षेत्रफल, प्लस 2 गुना अर्धवलय का क्षेत्रफल, समझ रहे ना। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, तो आयत आपका ए बी सी डी जो है, इसका लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि ए बी गुना में बी सी, तो देखो यह 106 है और बीसी आपका 10 मीटर होगा, चौड़ाई 10 मीटर है, और ये भी आपका 106 होगा, यह भी आपका 106 होगा, समांतर है, ये पता है, और ये बराबर ही है, और ये आपका 10 मीटर होगा। प्लस में पी क्यू आर एस का, तो मैं लंबाई इसका ले लेता हूँ पी एस और चौड़ाई ले लेता हूँ पी क्यू, प्लस 2 गुना अर्धवलय का क्षेत्रफल, तो 1/2 पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, अच्छा 106 गुना में 10 प्लस 106 गुना में 10 हो जाएगा आपका, फिर आपका हो जाएगा प्लस प्लस पाई के जगह पे क्या ले लें, 22/7 ले लें, 22/7 बड़ा आर स्क्वायर, बड़ा आर यानी कि आपका है 40 का स्क्वायर, छोटा आर आपका 30 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं,
यहाँ पे आ जाएगा 1060 प्लस 1060 प्लस 22/7, यहाँ हो जाएगा आपका देखो 40 का स्क्वायर आपका 1600 और 30 का स्क्वायर आपका 900, घटा देंगे इन दोनों को जोड़ दें क्या, तो यहाँ हो जाएगा 0, 6 दुना 12 एक, और एक और एक एक दो, 2120 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 22/7 गुना में यहाँ घटेगा तो आपका 700, इसको काट देते हैं 100 बार में, तो 2120 और प्लस में 2200 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल है, पार्क है भैया, मीटर में ही होगा, दोनों को जोड़ दो, 0 2 2 1 3 और 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर, यहाँ से आपका क्षेत्रफल आ गया, समझ गए। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो को यहीं पे इन करते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सीधा डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको पूरे बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में भारती भवन, एनसीईआरटी, केसी सिन्हा सबका लिंक मिलेगा, और कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।